प्रजापति सो एज यू ऑल नो मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है एंड उस सीरीज में हमारा आज जो टॉपिक है वो है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट सो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में इंडियन रेनासो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे वो क्वेश्चन आज हम अटेम करेंगे क्लियर सो विदाउट वेसिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ था सो so, देखिए ये पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पर इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग एंड एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पर थे ठीक है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में बंगाल से स्पेशली जो है ये नेशनलिज्म की फीलिंग और एजुकेशन क्या हो रहा था स्प्रेड हो रहा था तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड होता है लोग एजुकेट होते तो वो लोग अवेयर होने लगते सही और गलत को लेकर ठीक है तो ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और इन्हीं लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और भारत में रेनेसॉ लेकर आए ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉ ठीक है निम्नलिखित महापुरुषों में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है तो वो कौन से महापुरुष थे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का दैट इज़ इंडियन रेनेसो का फादर कहा जाता है तो हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ़ इंडियन रेनरसो इज राजा राम मोहन रॉय ठीक है इनको इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइटल्स दिए गए जैसे इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनरसो बता चुकी हूँ हेराल्ड ऑफ न्यू एज ही इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया ठीक है तो इसे बहुत सारे और भी टाइटल्स है जो कि राजा राम मोहन रॉय को दिए गए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी देखिए बिकॉज राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रनर्स कहा जाता है तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो टाइमलाइन को हम लोग देख लेते हैं सो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने 1850 में सबसे पहले जिस समाज को इस्टैब्लिश करा था वो था ब्राह्मो समाज नहीं था यूजुअली लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इस्टैब्लिश वर्स आत्मीय समाज ठीक है आत्मीय समाज जो है उन्होंने एटीन में इसे इस्टैब्लिश करा था उसके बाद एटीन में इन्होंने वेदांत सोसाइटी इस्टैब्लिश की थी 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज इस्टैब्लिश करा था डेविड हेयर की मदद से ठीक है जो कि बाद में महापाठशाला के नाम से जाना गया और लेटर जो है उसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से वो जाना गया ठीक है सो तो हिंदू कॉलेज बाद में महापाठशाला के नाम से जाना गया एंड बाद और, और लेटर जो है उसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है ठीक है तो एटीन में इन्होंने द हिंदू कॉलेज को इस्टैब्लिश करा था ठीक है इसके बाद 1820 में उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस बुक है दैट इज़ प्रसप्स ऑफ जीसस ये पब्लिश हुई थी 1825 में वेदांत कॉलेज इस्टब्लिश करा था जहाँ पर वो दोनों तरीके की यू नो you know, इन्होंने सिर्फ इंडियन एजुकेशन या इंडियन लर्निंग पे फोकस नहीं करा था इन्होंने वेस्टर्न सोशल एंड फ़िजिकल साइंस कोर्सेज जैसी चीज़ों को भी ऑफ़र करा था वेदांत कॉलेज में तो इन्होंने कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज़ नहीं करा है याद रखना ठीक है काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे थॉट में उनको लगता था कि जो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं लोगों को बिकॉज ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में ऑर्थोडॉक्स चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी ठीक है तो लोग अपने उन गलत ट्रेडिशंस को सही मानकर फॉलो कर रहे थे रैशनल थिंकिंग नहीं थी लोगों की तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करा है बिकॉज कहीं ना कहीं वो रैशनल थिंकिंग पे लोगों को क्या करवाता था फोकस करवाता था ठीक है तो याद रखना उन्होंने उनके वेदांत कॉलेज जो कि 1825 में इस्टेब्लिश किया गया था वहाँ पर उन्होंने इंडियन लर्निंग के साथ वेस्टन साथ वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस जैसे कोर्सेज को भी ऑफर करा था उसके बाद फाइनली 1828 में उन्होंने ब्राह्मो समाज इस्टैब्लिश करा था सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है क्यों इस्टेब्लिश किया गया था बिकॉज वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहते थे जैसे कि आयरल वर्शिप वेदास को पढ़ना उपनिषद क्रिश्चानिटी गलत नहीं है ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को ख़त्म करना ये सारी चीज़ें ठीक है देन 1829 में सती जो है अबोलिश किया था ठीक है किसकी मदद से राजा राम मोहन रॉय ने सती को अबॉश करवाया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 1830 में अकबर सेकंड जो कि लास्ट ग्रेट मुगल रूलर माना जाते हैं उन्होंने इन्हें राजा टाइटल दिया था किसको राम मोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया था अकबर सेकंड ने और अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन रॉय को एज एज एन इंग्लैंड भेजा था ताकि वो वहाँ पर जाके वहाँ के जो प्रिंस हैं जिनका नाम है जॉर्ज फोर उनसे जाके मिले ठीक है और वहीं पर 1833 में वो 1830 में गए थे इंग्लैंड और 1833 में उनकी ब्रिस्टल में डेथ हो जाती तो उनकी समाधि भी यहीं पर है ठीक है इसके अलावा याद रखना राजा राम मोहन रॉय ही आर्ग्यूड दैट एंशियन हिंदू टेक्स एनशियन हिंदू टेक्स द वेदास एंड द उपनिषद्स अपहेल द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथिज्म टू प्रूव हिज पॉइंट उन्होंने वेदास और पाँच उपनिषद्स को बंगाली में क्या करा था ट्रांसलेट भी करा था अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए ठीक है एटीन थर्टी थ्री ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी डेथ हो तो जाती है तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद ये कि मैं सारे राजा राम मोहन रॉय पर क्वेश्चन कवर नहीं कर सकती हूँ इन स्लाइड्स को ऐड करने का मकसद ये कि आप जितनी और एडिशनल चीज़ें हैं वो इससे याद रख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज़ कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म तो ऑलरेडी मैं थोड़ा आपको टाइटल्स बता चुकी हूँ राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है तो ये भी राम मोहन रॉय को ही माना जाता है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी इसके अलावा आ जाता है हमारा डिस्काउंट कोड ठीक है सो आज का जो हमारा डिस्काउंट कोड है वो है होली ट्वेंटी ठीक है इस कोड को यूज़ करके आप लोगों को ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा सभी एस एस सी कोर्सेज पर क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज ठीक है राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी कौन सी थी तो मैंने अभी बताया कि जो पहली सोसाइटी इन्होंने स्थापित की थी वो ब्राह्मो समाज नहीं थी ठीक है वो थी आत्मीय सभा ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन यर ठीक है ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी देखिए हम जितने भी इंडियन uh, रेनासो में जितने भी लोगों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है जितने भी रिफॉर्मर्स रिवाइवलिस्ट जिन्होंने इंडियन रेनासो में कॉन्ट्रीब्यूट कराए उन सभी ने अपनी अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी तो मेक श्योर sure उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम में ठीक है सो अभी पूछा गया है ब्राह्मो समाज इट वॉज इस्टेब्लिश बाय हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना करी थी किस ईयर में इस्टेब्लिश किया था तो एटीन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ट बिकॉज ब्राह्मण समाज की बात आ गई है तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनसे रिलेटेड आप देख लीजिए देखिए नॉर्मल चीज है हम जानते हैं कि ब्राह्मो समाज को इसलिए इस्टाब्लिश करा था राजा राम मोहन रॉय ने ताकि वो अपनी जो उनकी थॉट्स है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे लोगों तक पहुंचा सके ठीक है उसके बाद उनकी डेथ जब हो गई 1833 में उसके बाद भी ब्राह्मण समाज जो है एग्जिस्ट कर रहा था और अपने मैसेजेस को स्प्रेड कर रहा था अब वो कैसे हो रहा था वो चीज़ देख लीजिए तो देखिए रॉय की डेथ हुई थी एटीन में राजा राम मोहन रॉय की एटीन में देवेंद्र टैगोर ने इस समाज को ज्वाइन करा ठीक है सो एटीन फोर्टी टू में किसने ब्राह्मो समाज ज्वाइन कर लिया तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्राह्मो समाज ज्वाइन कराया ठीक है देवेंद्र नाथ टैगोर ठीक है उनकी जो तत्व बोधि समाज है वो भी काम करती थी जो कि ब्राह्मो समाज के आइडल्स को स्प्रेड करने का काम करती थी तो तत्व बोधि समाज से कौन एसोसिएटेड है या किसकी है तो ये है देवेंद्र नाथ टैगोर देखिए अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार लिख देती हूँ ठीक है हम बात कर रहे हैं देवेंद्र टैगोर की इन ये कौन से समाज से एसोसिएटेड थे तो तत्वबोधि समाज इनका था इन्होंने 1842 में ब्राह्मो समाज ज्वाइन करा था बाकी उसके पहले वो तत्वबोधी समाज से ब्राह्मो समाज की जो आइडियोलॉजीज है जो भी मैथ्ड मैसेजेस है जो भी आइडियल है उसे स्प्रेड करते थे ठीक है इन्होंने फिर तत्व बोधी समाज करा था ये बता चुकी हूँ इनका एक मंथली जर्नल भी पब्लिश होता था ठीक है तो ये चीज भी आप लोग याद रखना है किसके बारे में देवेंद्र नाथ टैगोर कब ज्वाइन करा था एटीन में क्या स्टैब्लिश इनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था तत्व समाज इनके मंथली जर्नल का क्या नाम था तत्व बोधिनी क्लियर आगे बढ़ते हैं 1858 तो 1842 में कौन ज्वाइन कर लिया है तो देवेंद्र नाथ टैगोर एटीन में केशव चंद्र सेन ने ब्राह्मो समाज ज्वाइन करा था और इनका ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्राह्मणिज़्म जैसी नहीं है तो क्रिश्चियनिटी सॉरी इनका ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी इज सेम एज़ ब्राह्मणिज्म ठीक है ये इसलिए इनका ये सोच इसलिए थी बिकॉज केशव चंद्र सेन को काफ़ी ज़्यादा यू नो एक्सपोजर मिला था जब वो ग्रेट ब्रिटेन गए थे जब वो वहाँ पर विजिट पे गए थे तो वहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपोजर मिला था और इसलिए उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी और ब्राह्मणिज्म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ठीक है बाद में 1865 में इनके व्यूज स्प्लिट हो गए और जो ब्राह्मो समाज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई दैट इज़ आदि ब्राह्मो समाज एंड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया ठीक है सो देखियो बिकॉज लोग यूजली कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आप याद रखना जिसने पहले ब्राह्मो समाज ज्वाइन करा था उसने क्या रखा उसका नाम आदि ब्राह्मो समाज रखा ठीक है जिसने बाद में करा था उन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया नाम रखा तो आदि ब्राह्मो समाज ये किसकी हो गई तो देवेंद्र टैगोर की हो गई एंड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया किसकी हो गई तो केशव चंद्र सेन की हो गई ठीक है लेटर ऑन ब्राह्मो समाज फिर से दो पांच में डिवाइड हो गया दैट इज ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया था दैट इज ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड साधारण ब्राह्मो समाज ठीक है तो यहाँ से थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें याद रखना क्वेश्चन बनते हैं पहला डिवीजन हुआ था 1865 में आदि ब्राह्मो समाज देपेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन बाद में ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया इट सेल्फ एंड साधारण ब्राह्मो समाज ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु गए राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी तो अभी मैंने बताया अकबर सेकंड ने इनको ये टाइटल दिया था तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज़ इन राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है तो हम सभी जानते हैं उनकी समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में एटीन थर्टी में अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को एज इज़ इन वॉय भेजा था वहाँ के राजा से मिलने के लिए दैट इज़ जॉर्ज फोर्थ से बाद में 1833 में राजा राम मोहन रॉय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में डेथ हो जाती है और उनकी समाधि कहाँ पर है ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द फॉलोइंग पहला है कैलका कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी टिबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन क्वेश्चन इज कि केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद इस्टेबलिशमेंट ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग ठीक है ऊपर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं तो इसमें पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन इनमें से किससे एसोसिएटेड है किस रिलेटेड है ठीक है तो पहली चीज़ इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एस्टेब्लिश करा था तो थ्री तो आपको ऑप्शन में देखने को मिले गई मैंने क्या कहा था कि जब ये ग्रेट ब्रिटेन गए थे केशव चंद्र सेन तो जब ये ग्रेट ब्रिटेन गए थे तो वहाँ पर उनको अलग अलग चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला था ठीक है काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज मिली थी तो ये इन्होंने इस एसोसिएशन को यही चीज़ कि क्रिश्चियनिटी और ब्राह्मणिज़म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं यही चीज़ समझाने के लिए उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को क्या करा था इस्टैब्लिश करा था उसके अलावा ट्रिबन ऑफ़ न्यू डिस्पेंसेशन जो है ये भी किस इसमें इससे भी एसोसिएटेड थे कौन केशव चंद्र सेन तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ टू एंड थ्री ओनली राइट एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को वो ये है कि ट्वेंटी फोर्थ जनवरी एटीन सिक्सटी एट में केशव चंद्र सेन ने एक मंदिर की फाउंडेशन स्टोन रखी थी जिसका जिसको कहा जाता था ट्रिबन ऑफ़ न्यू डिस्पेंसेशन ठीक है केशव चंद्र सेन और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने दे मार्च टू द प्रपोज स्पॉट अर्ली इन द मॉर्निंग परफॉर्मिंग संकीर्तन एंड दिस वॉज द फर्स्ट ब्रामो स्ट्रीट प्रोसेशन तो ये पहला ब्राह्मो स्ट्रीट प्रोसेशन था एंड इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स इट इन कैलकाटा तो बेसिकली उन्होंने एक मंदिर इस्टेब्लिश करा था उसकी स्टोन फाउंडेशन स्टोन रखी थी जिसको उन्होंने टेबन एक्कल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन कहा था तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि के, केशव चंद्र सेन इससे एसोसिएटेड है तो जी हाँ एटीन सिक्सटी एट में इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी केशव चंद्र सेन बाकी द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में बता चुकी हूँ 1870 में केशव चंद्र सेन ने इसको इस्टेब्लिश करा था ये इसके प्रेसिडेंट बने एंड इट रिप्रेजेंटेड द सेक्युलर साइड ऑफ ब्राह्मो समाज तो ब्राह्मो समाज की सेक्युलर साइड को क्या करता था ये एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता था ऑब्जेक्टिव क्या था टू पुट इन टू प्रैक्टिस सम ऑफ द आइडियाज़ दैट केशव चंद्र सेन वॉज एक्सपोज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन ठीक है ये चीज़ मैं आगे आप लोगों को समझाती हूँ द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया ठीक है भारत के ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन है तो मैंने अभी कहा था कि ब्राह्मो समाज दो पाँच में डिवाइड हो गई थी एक थी आदि ब्राह्मो समाज और दूसरा था ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया तो आदि ब्राह्मो समाज के कौन थे देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे केशव चंद्र सेन ठीक है तो इसका करेक्ट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन ब्राह्मो समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मो समाज किस सिद्धांत पर आधारित है तो ब्राह्मो समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग वन नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया तो राजा राम मोहन रॉय चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे ठीक है हम सभी जानते हैं सतीश सिस्टम भी उन्होंने क्या करवाया था अबॉलिश करवाया था विलियम बैंटिक की मदद से क्या उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज़ कराए नहीं जब उन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टब्लिश करा था तो वो वेस्टर्न कोर्सेज भी ऑफर करे थे तो क्लियर है ना उन्होंने कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोटेस्ट नहीं करा है या इसका अपोज नहीं कराया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान या हिंदुज़म इन सेकेंड हाफ ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी वॉज न्यू हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रतिनिधि उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्ध था कौन थे मतलब जिन्होंने न्यू हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव जिनको कहा जाता है वो कौन थे तो वो थे स्वामी विवेकानंद ठीक है स्वामी विवेकानंद इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन सेकेंड हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी अब देखिए सबसे पहले समझिए कि न्यू हिंदुज्म का बेसिकली मतलब क्या है तो न्यू हिं, हिंदुज्म जो है ना इसका मतलब होता है कि लोगों का हिंदू रिलीजन को लेके कंसेप्शन क्या है ठीक है तो ये वो टाइम पीरियड है 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी द वर्ल्ड फेमस स्पीच जो स्वामी विवेकानंद की थी उसमें उन्होंने लोगों तक हिंदू रिलीजन के कंसेप्ट क्या होता है हिंदू हिंदुज़म आखिर क्या है वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थी तो जब उनकी स्पीच लोगों तक गई तो ऑब्वियसली कंसेप्शन बनने लगा होगा हिंदू रिलीजन को लेकर इसलिए उन्हें कहा जाता है न्यू Hindu, हिंदुज़म से रिलेटेड जो है किसी को माना जाता है या ही इमर्ज एज द एडवोकेट ऑफ न्यू हिंदुज्म कौन स्वामी विवेकानंद क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ़ वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन एटीन नाइन्टी थ्री बिकॉज एटीन नाइन्टी थ्री में ही पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में उन्होंने उनकी वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी ठीक है अब देखिए एटीन नाइन्टी थ्री ना अपने आप में काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है क्यों बिकॉज आपको इससे तीन मेन चीजें याद रखनी है देखो पहली तो वर्ल्ड फेमस स्पीच स्वामी विवेकानंद की ठीक है दूसरा क्या याद रखना है 1893 में ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे अफ्रीका गए थे तीसरा आपको क्या याद रखना है एटीन में ही एनी बीसेंट कहाँ आई थी भारत आई थी ठीक है थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए Clear? तो 1893 में क्या-क्या हुआ है स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी है गांधी अफ्रीका गए हैं और एनी भारत आई है 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 ठीक तो तो ईयर हो गया ना important, तीन चीजें हुई राइट तो 1893 वैसे भी आपको याद रखना है तो याद रखना 1893 में ही स्पीच दी थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन रोड बुक ज्ञान योग कर्म योग एंड राजयोग निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग ये पुस्तक लिखी है ठीक है तो इसके राइटर है स्वामी विवेकानंद दैट इज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था तो देखिए स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे तो रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था उनके गुरु थे ऑब्वियसली तो उनकी आइडियोलॉजीज उनके मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की क्या करी थी नींव रखी थी ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आगे बढ़ते हैं हम लोग रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड जो है जो कि गुरु थे किसके स्वामी विवेकानंद के थोड़ी बहुत उनके बारे में लेते हैं देखिए यूजुअली इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पहली चीज़ ये क्या थे इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रखी थी ठीक है देन टू इनकी बातें सुनने के लिए इनके यू नो इनकी, you know, इनकी uh, डिस्कोर्सेस सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे ठीक है ये चीफ प्रीस्ट थे काली टेंपल दक्षिणेश्वर में जो कि कैलकटा के पास में है वहाँ पर वो पंडित थे और इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रखी पर फिर भी लोग इनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से पैदल चल दक्षिणेश्वर आते थे इनके डिस्कोर्सेज़ सुनने के लिए ठीक है सो एक चीज़ ये याद रखनी है कि वॉज चीफ़ प्रीस्ट ऑफ काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वर दूसरा इनकी बचपन का नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया ठीक है इनका चाइल्डहुड नेम था गदोदर एंड ये किस इनके डिसाइपल कौन थे स्वामी विवेकानंद ठीक है तीन चीज़ें अभी आप लोगों को मैंने याद करा दी है चीफ प्रीस्ट ऑफ काली टेम्पल है दक्षिणेश्वर बचपन का नाम गदोधर और तीसरी चीज़ इनके डिसाइपल कौन थे स्वामी विवेकानंद ठीक है और इन्हीं के आइडियोलॉजीज़ एंड मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन जो है इस्टाब्लिश करा था नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी ठीक है तो इसको किस ईयर में इस्टैब्लिश किया गया था क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो उसे 1897 में इस्टैब्लिश किया गया था तो जब उन्होंने अपनी स्पीच दे दी थी और तीन साल तक वो इंग्लैंड एंड अमेरिका ये सब घूमे थे अपनी स्पीच देने के बाद बाद में भारत आ जब वो आए तो उन्होंने एटीन नाइन्टी सेवन में रामकृष्ण मिशन जो है उसे इस्टैब्लिश करा था ठीक है तो इस चीज़ से याद कर सकते हो कि उन्होंने जब अपनी वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी ना उसको देने के बाद आके देखो ऑब्वियसली 1893 के बाद आप ये चीज़ समझ गए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ऑप्शंस काट सकते हो ना यार 1893 के पहले वाले तो होंगे ही नहीं ऑब्वियसली उसके बाद वाला होगा तो ऑटोमेटिकली एटीन हो गया क्लियर देखिए अब यहाँ पर रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड चीज़ें मेनली तो ये याद रखना कि 1897 जो है उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके अपने कुछ ऑब्वियसली रामकृष्ण मिशन के थ्रू वो उनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस के मैसेजेस जो है उसे स्प्रेड करना चाहते थे ठीक है उसके बाद याद रखना जो बैलूर मत है इट टुक केयर ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट्स ऑफ पीपल ठीक है बैलोर मत जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो सेंटर था रामकृष्ण मिशन का ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें पूछा गया है हु वॉज शरद मणि ठीक है शरद मणि कौन थी तो शरद मणि जो है वो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर एटीन दयानंद सरस्वती फाउंडेड दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी तो हम सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो है उसे स्टैब्लिश करा था अब देखिए बिकॉज आर्य समाज आ गया तो आर्य समाज से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं फर्स्ट चीज आर्य समाज ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करे थे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ठीक है दे वॉन्टेड टू री एस्टेब्लिश ग्रेटनेस ऑफ इंडिया बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इंटरनल वीकनेस एंड एक्सटर्नल थ्रेट देखिए सबसे पहले मैं अगर दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो इनका एक बहुत फेमस स्लोगन है गो बैक टू वेदास ठीक है जब भी आप लोग इंडियन रेनर पढ़ेंगे आप दो तरीके के लोगों के बारे में पढ़े होंगे एक जो कि रिफॉर्मर होंगे और दूसरा जो कि रिवाइवलिस्ट होंगे रिफॉर्मर वो है जो एग्जिस्टिंग चीज़ों में नए चेंजेस लाना चाहते हैं ठीक है रिवाइवलिस्ट वो है जो कि एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसी में सुधार करना चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें थी जो हमारे ट्रेडिशंस थे जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं हम लोग रिवाइव कर रहे हैं और रिफॉर्मर कौन है कि जो हमारे ट्रेडिशन है जिसमें गलत चीज़ है उसे बंद करो राइट उसे बंद करके अच्छी चीज़ों को अपनाओ वो रिफॉर्मर है तो दयानंद सरस्वती क्या थे ये रिवाइवलिस्ट थे इन्होंने क्या कहा है गो बैक टू वेदास। उनके अकॉर्डिंग वेदास में सारी बातें छुपी हुई है हमें फिर से वेदास को रिवाइव करने की ज़रूरत है तो दयानंद सरस्वती क्या थे रिवाइवलिस्ट ठीक है इन्होंने आर्य समाज जो है इसकी नींव रखी थी आर्य समाज की ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव था जितनी भी फिजिकल स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग है उसे इम्प्रूव करना सॉरी <coughs> एंड <coughs> दूसरा ऑब्जेक्टिव था दे वांटेड टू तो रिवाइव द फॉरगॉटन वैल्यूज ऑफ आर्यन कल्चर इनका मोटो भी था इनका मोटो था कृणवातो विश्वम आर्यम ठीक है दैट इज ऑल ऑल मैन मैन ठीक है मेक आर्य दैट इज नोबल और कल्चर इन आर्यम का मतलब यह है कि सभी आदमियों को क्या बनाना है सभी मैन को क्या बनाना है आर्य दैट इज आर्य का क्या मतलब होता है नोबल और कल्चर मतलब सभी को कैसा बनाना है सभी को नोबल और कल्चर बनाना है ठीक है तो क्वेश्चन एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्य समाज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू वेदस ठीक है किसने कहा है कि वेदों के पास वापस जाइए तो अभी मैंने बताया वो कौन थे दयानंद सरस्वती ने कहा है लेट्स गो बैक टू वैदास अब देखो यहाँ पर आप लोगों को आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था मूल शंकर ठीक है स्वामी पूर्णानंद जो है उन्होंने ही दयानंद सरस्वती नाम जो है मूल शंकर को दिया था ठीक है तो पहली चीज दयानंद सरस्वती का चाइल्डहुड नेम शंकर, उनको दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था तो स्वामी पूर्णानंद ने दिया था उन्होंने वेदास के बारे में जितनी भी चीजें हैं मतलब उनके जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद उन्होंने वेदास की नॉलेज किससे लिए स्वामी विरजानंद इन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया है गो बैक टू वेदास उन्होंने आइडल वर्शिप को कंडेम है शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था तो दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट करा था डॉक्ट्राइन ऑफ वन गॉड किसने दिया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो आपको याद रखना है उसके अलावा गो बैक टू वेदास वाली चीज़ मैं बता चुकी हूँ इनका एक बहुत फेमस बुक है दैट इज़ सत्यार्थ प्रकाश अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी वर्क है या ये बुक किसने लिखी है तो सत्यार्थ प्रकाश किसका वर्क है तो यह है दयानंद सरस्वती का उसके बाद 1875 में इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी बॉम्बे में प्लस एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे बनता है वो ये है कि ही वॉज़ अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्वराज टर्म को यूज़ करा था ठीक है फर्स्ट टू इंसिस पीपल टू यूज स्वदेशी गुड प्लस ही वॉज अ फर्स्ट टू रिकोगनाइज़ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया ठीक है तो इतनी चीजें देखो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता दू क्या क्या बता दू उनका बचपन का नाम दैट इज मूल शंकर स्वामी पूर्णानंद ने इनको दयाशंकर नाम दिया था स्वामी विरजानंद जो है इनके गुरु थे जिनसे जिनसे इन्होंने वैदास के बारे में सीखा था गो बैक टू वेदास ये स्लोगन इन्होंने दिया था शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करा था डॉक्टर ऑफ वन गॉड जो है इन्होंने स्टार्ट करा था इसके बाद में क्या बता चुकी हूँ सत्यार्थ प्रकाश इनका बहुत ही फेमस वर्क है वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू तो यूज द टर्म स्वराज एंड एटीन में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी बॉम्बे में ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दी वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया ठीक है निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखे क्यों कहा जाता है इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करी थी थ्रू हिज़ राइटिंग्स वो कहते थे कि गुड गवर्नेंस जो है इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस ठीक है और इन्होंने गो बैक टू वेदर्स जो है ये स्लोगन दिया था तो उनका क्या कहना था कि जो गुड गवर्नेंस है इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस ठीक है इसलिए इनको क्या कहा गया है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया अब देखिए कुछ लोग कहते कि मैम इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है देखो मैं इतने से लेक्चर में ना सारी चीज़ें कवर नहीं करवा सकती इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ ताकि उसमें से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बाद में पढ़कर ले सकते ठीक है so, सो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एम सी क्यूज़ में आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ ठीक है मेरा मकसद ये कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों से अवेयर करवा सकूँ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय अभी मैंने बता दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट ये भी बता चुकी हूँ कौन सा समाज है आर्य समाज है जो कि शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वो ऑफ द फॉलोइंग सेट गुड गवर्नेंस इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस ठीक है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं है अभी बता दी ये क्वेश्चन कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑज अ चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य निर्देशक कौन थे तो एम जी रनाडे थे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एम जी रनाडे अब बिकॉज प्रार्थना समाज आ गया तो यहाँ पर आपको प्रार्थना समाज से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो थे आत्मारंग पांडुरंग ठीक है बट प्रार्थना समाज एम जी रनाडे ने जब ज्वाइन करी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई इसलिए यूजुअली क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रार्थना समाज का फाउंडर पूछ लिया जाता है ना तो लोग क्या कर कर आ जाते हैं एम जी रनाडे कर कर आ जाते हैं बट ही वॉज नॉट द फाउंडर ही वॉज नॉट द पर्सन हु इस्टैब्लिश प्रार्थना समाज द पर्सन हु इस्टैब्लिश प्रार्थना समाज वॉज आत्मा रंग पांडुरंग एंड प्रार्थना समाज पॉपुलर जो है बन गया जब एम जी रनाडे ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था ठीक है इसके अलावा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है याद रखना रनाडे जो है उन्होंने विडो री मैरिज एसोसिएशन इस्टेब्लिश करा था स्टार्ट करा था एंड एक डेकन एजुकेशन सोसाइटी को भी उन्होंने क्या करा था इस्टेब्लिश करा था तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना बाकी आप लोग बाद में पी में से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हुज मेन एम वॉज़ टू अपलिव द बैकवर्ड क्लासेस पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था ठीक है तो सत्यशोधक समाज जो है उनका मेन एम था अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके साथ आ जाता है आज हमारा क्वेश्चन ऑफ़ द डे आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा एंड आई एम रियली सॉरी का मैंने लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर दिया बट मैं मैक्सिमम इंफॉमेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो अपन क्या है टू द पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर को रखेंगे ठीक है सो so, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं द बंगाली लीडर हु अपोज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी फोर्स सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन करने वाले बंगाली नेता कौन थे ठीक है तो चार ऑप्शन हैं इसमें से करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है क्लियर सो so, आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच